भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व नैना देवी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार से स्वीकृत 69 में से 53 एनएच को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद अब डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने विधायक रामलाल ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 4 सालों और राज्य सरकार के 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों से बौखलाहट में आकर कांग्रेस तथ्यहीन व अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। शनिवार को बिलासपुर में परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,892 करोड़, बागवानी के लिए 1,688 करोड़ और पेयजल योजनाओं के आवश्यक सुधार व निर्माण कार्यों के लिए 798 करोड़ के अलावा राजधानी शिमला में पानी की किल्लत के स्थायी समाधान के लिए विश्व बैंक से 943 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे में हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की बात करें तो उत्तर भारत का बड़ा स्वास्थ्य संस्थान कोठीपुरा में बनने जा रहा है और चार दीवारी का काम भी शुरू हो गया है, जबकि बंदराधार में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण को लेकर भी कवायद जारी है। इसके साथ ही प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी और आईआईएम जैसे संस्थान मिलना बड़ी बात है। राज्य सरकार ने 70 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान कर दिया है, जिसके तहत 30,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 30,308 केस महज 6 माह में ही स्वीकृत हुए हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू कर सरकार ने हर गरीब परिवार को रसोई गैस कनेक्शन देने की कवायद भी शुरू की है। रणधीर शर्मा के अनुसार प्रदेश में हेली टैक्सी के साथ ही ट्राइबल के लिए हेली एम्बुलेंस सुविधाएं शुरू की गई है। इसके अलावा जनता की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर करने के मकसद से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। इन कार्यक्रमों में मंत्री और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मोदी सरकार के 4 साल में किसी एक भी घोटाले का न घटना, किसी भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगना दर्शाता है कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। यही नहीं, जो सब्सिडीज दी जाती हैं बेनिफिट, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल से काम कर रही है, उसने इस कार्यकाल में हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण हो रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी अब चरम पर है। अध्यक्ष को हटाने में लगे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। सिटी चैनल के लिए कैमरामैन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट।